शुरुआत भी की। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, खास करके उत्तर प्रदेश के आप नेता हैं और तमाम दिल्ली एनसीआर में इस वक्त उत्तर प्रदेश का मजदूर है जो कि फंसा हुआ है और डर यही कि कहीं ये संकट ना आगे बढ़ा दे। शालिनी जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग का आभार व्यक्त करना चाहती हूं, सारे मीडिया साथियों का जो लगातार पूरे देश को, पूरे प्रदेश को हम सब की बातें वहां तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक आज उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो पलायन का एक भयानक मंजर देखने को मिल रहा है, मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि जब कोरोना की दस्तक देश में हुई थी तो हमने अन्य देशों में फंसे अपने भाई बहनों को विशेष विमान भेजकर उनको यहां बुलाया था सुरक्षित। उसके बाद उनको आईडीपीपी के जो विशेष कैंप की व्यवस्था की गई थी वहां पे क्वारंटाइन में रखा था। आज हमारे अपने ही देश के गरीब मजदूर जो रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, रेड़ी ठेला लगाते थे, जो किसी भी परिस्थितियों में सड़कों पर रहते थे, उनके पास कोई पक्का घर नहीं था कि वो अपने घरों में सरकार के लॉकडाउन के बाद रह पाते, वो मजबूर हो गए कि वो अपने घरों की तरफ, अपने गांव की तरफ पैदल चले। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तो क्या ये सरकार को नहीं मालूम था कि ये सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग बड़े शहरों में जो गांव से आते हैं मजदूरी करने के लिए, रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, जिनके पास घर नहीं है, मजदूरी करते हैं, ये कहां जाएंगे जी। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन करने के पहले सरकार से कहीं ना कहीं ये चूक हुई है कि उनकी व्यवस्था ना की गई। शायद अगर उनके गांव भेजने का व्यवस्था करा देती सरकार तो आज वो अपने घरों में होते, मजबूर न होते कि लाखों और हजारों की संख्या में वो पलायन करें शहरों से और पैदल अपने गांव की तरफ पहुंचे। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें चूक हुई है, पर मुझे विश्वास है कि जिस तरह से सरकार और कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग भी इसमें सरकार का सहयोग कर रहे हैं। एक नेशनल हाईवे टास्क फोर्स बनाई गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, जहां भी ये लोग जा रहे हैं, जिस रास्ते से भी, जिस हाईवे से भी, वहां हमारे भी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोग उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। पर हम अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से कि इनके घर तक इनको सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। आराधना जी, देखिए मुझे आप वैसे गलत मत समझिएगा, सुबह से ये जो दर्द है इन मजदूरों का हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम जानते हैं कि इनके सिर पर फिलहाल छत नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है इनके पास, और ऐसे में अपने घरों तक ये पहुंचना चाह रहे हैं। पर जैसा जो विदेश में हमारे अपने फंसे थे उनसे आपने इन लोगों का कंपेयर किया, देखिए आराधना जी सरकार ये कह रही है, वो चाहे दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की मैं बात करूं, हरियाणा में अगर मैं बात करूं खट्टर साहब की, या फिर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें योगी आदित्यनाथ की, हर कोई कह रहा है आप कहीं भी जाइए, आप किसी भी प्रदेश के हो, आप भारतीय नागरिक हैं, खाने खिलाने का और आपके रहने का पूरा बंदोबस्त हम करेंगे। अब ये विश्वास सरकार के ऊपर करना ये जनता का काम है। जो लोग बाहर फंसे हुए थे मैम, वो भी तो रुके वहां कुछ दिन, उन्होंने भी इंतजार किया, बिल्कुल एकदम से सरकार जाके वहां से उन लोगों को नहीं लेकर के आई। तो ये जागरूकता फैलाने का काम आपका, हमारा, हम सबका है कि जो जहां पर रुका है वहीं पर रुका रहे, उसका प्रबंध उस जगह पर कर दिया जाएगा। यह हमारा भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है। देखिए शालिनी जी, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि बहुत सारे वहां पे ऐसे जो लोग पलायन कर रहे हैं उसमें मेरे भी, प्रतापगढ़ जिले के मेरी विधानसभा के भी बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों से जो संपर्क हुआ, उनसे बात हुई, बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उन लोगों ने लगातार, आज लॉकडाउन का चौथा दिन है, लगातार उन्होंने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद ही वो वहां से पैदल चले, क्योंकि उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं इस वक्त कोई समीक्षा नहीं करना चाहती हूं, ये समय नहीं है कि समीक्षा की जाए या किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए, पर मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं
ये जो संख्या थी लोगों की, जो वहां पे मजदूर थे या गरीब लोग थे, उनको कहीं ना कहीं सरकार, बहुत सारे लोगों को सरकार ने व्यवस्था की भी होगी, चाहे दिल्ली की सरकार रही हो, हरियाणा की सरकार रही हो या उत्तर प्रदेश की भी सरकार रही हो, पर शायद कहीं ना कहीं इस संख्या को हम नजरअंदाज कर गए, हम एस्टिमेट नहीं कर पाए। ये वजह थी कि बहुत समय तक जिन लोगों ने इंतजार किया, बहुत सारे लोगों ने टीवी लोगों ने देखा, विपक्ष में होने के नाते मैं चाहूंगी कि क्या कुछ बड़े पैमाने पर तैयारी कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है या फिर उत्तर प्रदेश में आपकी कोई बड़ी तैयारी इन लोगों को सहारा देने के लिए या आम आदमी को भी जागरूक करने के लिए, सहारा देने के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी? तीन चीजें मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। सबसे पहले तो जो ये पलायन कर रहे हैं हमारे उत्तर, इसमें बहुत सारी संख्या उत्तर प्रदेश की है और बिहार की है, और बिहार के भी लोग जो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाएंगे, कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल, नेशनल हाईवे टास्क फोर्स श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे बनाई गई है, जिस हाईवे से भी ये लोग गुजरेंगे वहां पे लोगों को हमारे जो कांग्रेस के जिला इकाई है, प्रदेश की इकाई है, उनको कहा गया है कि इनके व्यवस्था की जाए, इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, अगर कुछ देर ये विश्राम करना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था की जाए, और हम पूरी तरह से इनको इनका समर्थन करेंगे। दूसरी चीज, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला अध्यक्ष को, जिला की इकाई को, प्रदेश की इकाइयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जिले में गांव गांव से खबर लेते रहे, अगर जहां भी आवश्यकता पड़े, अगर कोई भूखा है, उसके पास अनाज का भाव है, किसी भी तरह की दवा की समस्या है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो प्रशासन से या तो उनकी मदद कराएं या स्वयं उनकी मदद करें। बिल्कुल। और तीसरी चीज, लगातार आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो या हम सब लोग हो, हम समय समय पे जनता से अपील कर रहे हैं कि जो ये 13 हफ्ते का ये लॉकडाउन है, इसका पालन करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और शासन का, प्रशासन का और डॉक्टरों का सहयोग करें। बिल्कुल, यही हमारी भी अपील है। बहुत शुक्रिया आराधना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बस इसी सहयोग की, इसी एक साथ चलने की और एकजुट होकर के आगे बढ़ने का ये समय है, लेकिन सामाजिक दूरी बना करके।